भारत के लोगों को कैंसर के इलाज के लिए अब विदेश की महंगी दवा पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद पालमपुर के वैज्ञानिकों ने ब्लड कैंसर से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए उपयोग एंजाइम की खोज की है। ये एंजाइम करीब 4,500 मीटर की ऊंचाई पर ग्लेशियर में मौजूद बैक्टीरिया में पाया गया है। वैज्ञानिकों ने लगभग 600 विभिन्न बैक्टीरिया पर शोध के बाद इस एंजाइम की सत्यता को परखा है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर संजय कुमार के अनुसार बैक्टीरिया पर शोध का सार्थक परिणाम मिला है। उनका दावा है कि विश्व स्तर पर इस एंजाइम की खोज अपनी तरह की पहली खोज है। हमारे संस्थान का एक प्रयास था कि यहाँ की जो माइक्रोबियल डाइवर्सिटी है या जो माइक्रोबियल विविधता है, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर हम एस्पार्जिनेज नाम का एंजाइम अगर हम एक निकाल लें, जिससे कि हम अगर हम पहले आलूओं को उससे ट्रीट करें फ्राई करने से पहले, तो एस्पार्जिन अलग हो जाएगा और आलूओं में एक्रिलामाइड नहीं बनेगा। तो आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि हमारे वैज्ञानिकों ने माइक्रोब से सफलतापूर्वक एक बड़ा अच्छा एंजाइम एस्पार्जिनेज ढूंढ के निकाला है। और ये एस्पार्जिनेज एस्पार्जिन को ख़त्म कर देता है, जिससे जब आप आलू को फ्राई करें तो उसके अंदर एक्रिलामाइड नहीं बनता। दूसरा, इस एस्पार्जिनेज एंजाइम की उपयोगिता कई किस्म के कैंसर को ठीक करने में भी है। एंजाइम मानव शरीर में पाए जाने वाले एक तरह के प्रोटीन होते हैं। ये शरीर में होने वाले केमिकल रिएक्शन की तीव्रता को बढ़ा देते हैं। इन्हीं एंजाइम की वजह से शरीर खुद को वातावरण के अनुकूल ढाल पाता है। सरकार की मंजूरी के बाद यदि दवा उद्योग इस एंजाइम का प्रयोग करता है तो लोगों को कैंसर की सस्ती दवा मिल सकेगी। डीडी न्यूज़ के लिए पालमपुर से संजीव राणा की रिपोर्ट।